Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Sanuk Mystery Classes. Dear friends, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग law of chemical equivalence के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आज केस 3. इसमें हम लोग पढ़ेंगे reaction with mixture. Reaction with mixture. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हम लोगों ने केस नंबर 1 और 2 में पढ़ा था फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए फॉर इनकंप्लीट रिएक्शन के लिए. अब केस नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मिक्सचर. कहने का मतलब हुआ रिएक्शन ऑफ वन रिएक्टेंट with two or more reactant. Reaction with mixture मतलब mixture के साथ reaction. तो इसमें क्या होगा reaction of one reactant, एक reactant का reaction होगा with two or more reactant, दो या दो से ज्यादा reactant के साथ एक reactant का reaction होगा इसमें. तो इसलिए इसका नाम पड़ा है रिएक्शन विद मिक्सचर. तो देखते हैं एग्जांपल से इसमें. जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास बी और सी दो रिएक्टेंट है. ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है. इस रिएक्टेंट का इन दोनों रिएक्टेंट के साथ हम कंप्लीट रिएक्शन करा रहे हैं. मतलब ए जो है वह बी और सी दोनों के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है. तो यहां पर हो गया मिक्सचर के साथ रिएक्शन, क्योंकि हम लोगों ने एक रिएक्टेंट है, हम दो रिएक्टेंट के साथ उसका रिएक्शन कराए हैं. रिएक्शन ऑफ वन रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्टेंट का टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराए हैं. तो यह हो गया रिएक्शन विद मिक्सचर. तो इसका नियम होता है अगर ए बी और सी दोनों से कंप्लीट रिएक्शन करे तो इसका नियम होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए. कहने का मतलब कहीं पर भी अगर ए बी और सी दोनों के साथ कंप्लीट रिएक्शन करे, ए बी और सी दोनों के साथ कंप्लीट रिएक्शन करे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए के. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया इसके लिए कि अगर ए बी और सी दोनों के साथ कंप्लीट रिएक्शन करे तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम लोगों को देखना होगा कि कौन किसके साथ रिएक्शन करता है. जैसे कि पहला में एसिड जो है वह बेस के साथ रिएक्शन करता है. एसिड रिएक्ट्स विद बेस. कौन कौन हो सकता है? मेटल का ऑक्साइड हो सकता है बेस, मेटल का हाइड्रोऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट एंड मेटल का बाइकार्बोनेट. मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेस. तो एसिड इन सभी से रिएक्शन कर सकता है. एसिड रिएक्ट्स विद इतना इतना. एसिड रिएक्ट्स विद मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट एंड मेटल का बाइकार्बोनेट. यह सभी बेस होता है, इसलिए एसिड जो है वह इन सभी से रिएक्शन कर लेता है. जैसे कोई एसिड जैसे H2SO4, HNO3, HCl जो है वह रिएक्ट कर सकता है. ऐसे समझ लीजिए इसको, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सभी के साथ एसिड जो है वह रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि यह सब बेस होता है. तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो एसिड जो है इन सभी के साथ रिएक्शन कर लेगा. इसके बाद
इसके बाद देखते हैं टू कंपाउंड, यह भी रूल है, टू कंपाउंड हैविंग कॉमन आयन डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। टू कंपाउंड हैविंग कॉमन आयन डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, कहने का मतलब हुआ दो कंपाउंड जिसके पास कॉमन आयन हो, अगर दो कंपाउंड के पास कॉमन आयन हो, उनका आयन कॉमन हो, तो वह एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि HCl जो है वह NaCl से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों में, इन दोनों कंपाउंड में देखिए यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस होगा, और इसमें तोड़ेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस होगा। इन दोनों के पास एक आयन कॉमन है Cl माइनस आयन, तो इन दोनों कंपाउंड में एक आयन Cl माइनस आयन जो है ना वह कॉमन है, तो यह नियम कह रहा है कि टू कंपाउंड हैविंग कॉमन आयन डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब दो कंपाउंड जिसके पास कॉमन आयन हो, जैसा कि इन दोनों के पास कॉमन आयन है, तो यह एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद देखते हैं एक और, टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर नेचर टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर नेचर डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, कह रहा है कि दो कंपाउंड जिसके पास सिमिलर नेचर हो, एक ही तरह का नेचर हो, वह एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा। कहने का मतलब वह एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, बेस बेस से नहीं करेगा, साल्ट साल्ट से नहीं करेगा। रिएक्शन होने के लिए दोनों कंपाउंड के पास अपोजिट नेचर होना चाहिए। जैसे एसिड बेस से रिएक्शन करता है, एसिड साल्ट से रिएक्शन कर लेता है, तो सिमिलर नेचर अगर होगा, सिमिलर नेचर होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब एसिड एसिड में नहीं होगा। ऐसे हो सकता है एसिड एसिड में रिएक्शन नहीं होगा, बेस बेस में नहीं होगा, इस प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि नेचर सिमिलर होने से रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं सबको। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए एक बीकर है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और NaCl है। ऊपर से हम लोग HCl ला रहे हैं, इस बीकर में हम जा रहे हैं कि HCl जो है ना, ये इन दोनों के साथ कंप्लीट रिएक्शन करे। HCl है CaCO3 और NaCl से कंप्लीट रिएक्शन करे, तो देख लीजिए यहाँ पर HCl अगर इस बीकर में आ जाएगा तो NaCl से इसका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड में कॉमन आयन हो गया है Cl माइनस आयन। इन दोनों कंपाउंड में कॉमन आयन Cl माइनस आयन है, इसको जब तोड़िएगा पता चलेगा। अभी एग्जांपल में देखिए यहाँ पर कि HCl और NaCl रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के पास Cl माइनस आयन कॉमन है, तो HCl जब इस बीकर में आएगा तो NaCl से रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसका इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा, क्योंकि कैल्शियम का कार्बोनेट है एक प्रकार का बेस होता है मेटल का कार्बोनेट, तो यह जो एसिड है वह इस कैल्शियम कार्बोनेट से कंप्लीट रिएक्शन कर जाएगा। और हम लोगों ने केस नंबर वन में पढ़ा था कंप्लीट रिएक्शन के केस में, कि कंप्लीट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, तो HCl जब इससे रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो इन दोनों में क्या होगा, इसका यह दोनों रिएक्टेंट हो जाएगा, तो दोनों रिएक्टेंट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के। HCl इसके साथ कॉम्प्लीट रिएक्शन करेगा, इसलिए यह दोनों हो गया रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉम्प्लीट रिएक्शन के केस में बराबर होते हैं,
तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट, इसका मतलब वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इस तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे बीकर में सोडियम का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ऊपर से H2SO4 आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, हम चाह रहे हैं कि इन दोनों में कंप्लीट रिएक्शन हो इसका इसके साथ। तो देख लीजिए यहाँ पर एसिड जो है वह इस बेस से कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा और इस सोडियम कार्बोनेट से भी कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा, यह एसिड है, यह दोनों बेस है, तो इन दोनों रिएक्टेंट्स के साथ एसिड H2SO4 कंप्लीट रिएक्शन करेगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे, इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट का समेशन इसके बराबर लिखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था ऐसे, ये जब B प्लस C दोनों से कंप्लीट रिएक्शन करता है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A के। तो इसमें लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इस केस में ऐसे लिखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स का यूज करेंगे, इस केस में ऐसे होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर बीकर में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और पोटासियम कार्बोनेट है, बीकर में क्या है सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट है, HCl ऊपर से डाल रहे हैं, चाहते हैं कि इन दोनों में इन सभी में कंप्लीट रिएक्शन हो। तो देख लीजिए HCl जो है एसिड है और मीटर का कार्बोनेट होता है बेस, तो सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट दोनों बेस हैं, तो इसका मतलब जब यह जो एसिड है HCl इन दोनों के साथ कॉम्प्लीट रिएक्शन करेगा, तो A B और C दोनों के साथ कॉम्प्लीट रिएक्शन करेगा, तो लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इस केस में ऐसे लिखेंगे। अगर HCl इन दोनों के साथ कंप्लीट रिएक्शन करे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पहला कंपोनेंट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl रिएक्ट्स कंप्लीटली with
20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl. कैलकुलेट द कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिश्रण. Question number 2 gram of a mixture of calcium carbonate and NaCl reacts completely with 20 milligram of HCl. Calculate the weight percent of calcium carbonate in the mixture. इसको सॉल्व करते हैं. Calcium carbonate और NaCl का एक मिक्सचर है. Calcium carbonate और NaCl का एक मिक्सचर है. इस मिक्सचर का वेट है 2 ग्राम. यह कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ. HCl के साथ यह मिक्सचर कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है. HCl का इस मिक्सचर के साथ कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है. HCl का अमाउंट दिया गया है 20 मिली इक्विवेलेंट. तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि HCl जो इस बीकर में जब आएगा मिक्सचर में आएगा तो HCl का इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें Cl- आए और इसमें Cl- आए कॉमन हो गया. तो हम लोग जानते हैं कि दो कंपाउंड के पास अगर कॉमन आयन हो तो वह एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा. इसका मतलब HCl जो है वह NaCl से रिएक्शन नहीं करेगा. HCl CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेगा या बेस जैसा बिहेव करता है तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा. तो यह दोनों हो गया रिएक्टेड. तो कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है इस केस में. तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का बराबर कर देंगे. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ वेट कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl. बताना क्या था. कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर. मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट का वेट परसेंट बताना था. तो मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट का वेट परसेंट बताने के लिए सबसे पहले मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना होगा. तो क्या करेंगे हम लोग, मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट है वह निकालेंगे. तो यहाँ पर वेट दिया गया है, इसको एक्स मान लेते हैं अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट. इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 अपॉन इसका वैलेंसी एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि यह प्रकार का साल्ट है. तो साल्ट में साल्ट के केस में एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन आयन. किसी भी तरह से एन फैक्टर निकाल लीजिएगा, 2 हो जाएगा 50 हो गया. इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl. इसका इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट लिखा जाएगा क्योंकि 20 मिली इक्विवेलेंट दिया गया है ना. तो 20 मिली इक्विवेलेंट तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 20 अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं. तो मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा. तो 20 अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया. 20 अपॉन 1000 x बराबर 100 आ जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा x का वैल्यू. मतलब वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर विल बी 1 ग्राम. तो बताना है वेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो लिखेंगे वेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर. मिक्सचर में इसका वेट परसेंट बताना है तो इसका वेट निकालेंगे मिक्सचर में जो कि 1 आया है अपॉन टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर 2 × 100. 50 हो जाएगा, 50% इसका कैल्शियम कार्बोनेट का वेट परसेंट हो जाएगा. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक और क्वेश्चन ले रहा है इसमें.
2 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड NaCl reacts completely with 10 milli equivalent HCl. Calculate the weight percent of sodium carbonate in the mixture. Calculate the weight percent of sodium carbonate in the mixture. Question kar raha hai 2.12 gram mixture of sodium carbonate and NaCl reacts completely with 10 milli equivalent of HCl. हमारे पास एक मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और NaCl का, यह HCl के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है. मिक्सचर का वेट दिया गया है 2.12 ग्राम और HCl का अमाउंट दिया गया है 10 मिली इक्विवेलेंट. तो यहां पर देख लीजिए HCl और NaCl में कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका Cl- आयन और इसका Cl- आयन कॉमन है, तो इन दोनों में रिएक्शन नहीं होगा. अब HCl और Na2CO3 में कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. तो यहां पर हो जाएगा वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl दिया गया है 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है, इसका मतलब 10 अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा. हमें निकालना है कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का वेट परसेंट बताना है. तो सबसे पहले मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का वेट निकालना होगा. तो इसको मान लेते हैं x अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 बटे इसका n फैक्टर, टोटल चार्ज ऑन कैटायन एनायन 2 इज इक्वल टू 53 इज इक्वल टू 10/1000. तो x का वैल्यू आ जाएगा 53 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.53 ग्राम. मतलब मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का वेट हो गया 0.53 ग्राम. तो बताना था वेट परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. इन द मिक्सचर इज इक्वल टू इसका वेट 0.53 अपॉन मिक्सचर का टोटल वेट 2.12 इंटू 100. चार मतलब कट जाएगा 25. तो वेट परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर आ गया 25%. इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं.
दूसरा है 2.013 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, 50 मिली इक्विवेलेंट HCl. कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर. Mixture of sodium carbonate and sodium hydroxide reacts completely with 50 milli equivalent of HCl. Calculate the wet percent of sodium carbonate in the mixture. हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर है जिसका वेट है 2.013 ग्राम. यह HCl के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है. HCl का अमाउंट दिया गया है 50 मिली इक्विवेलेंट. तो यहां पर HCl जो एसिड है वह इन दोनों बेस से कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा. तो नियम लिखेंगे यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. निकालना क्या था? कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर. मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का वेट परसेंट बताना है. तो सबसे पहले मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का वेट बताना होगा. तो इसका वेट मान लेते हैं x, इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट 53. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट. तो इसका मास मान लिए x अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट 106 बटे वैलेंसी इसका n फैक्टर 2. प्लस अगर इसका मिक्सचर में वेट है x तो इसका वेट होगा 2.013 माइनस x अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट. इसका फॉर्मूला वेट होता है 40 अपॉन वैलेंसी n फैक्टर 1 हो जाएगा. इसका 40 आ जाएगा इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. तो HCl का मिली इक्विवेलेंट दिया गया है 50. तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा 50 अपॉन 1000. तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगा निकल कर 0.53. तो x का वेट x का वैल्यू आ गया 0.53. इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का वेट हो गया 0.53 ग्राम. तो हमें बताना था सोडियम कार्बोनेट का वेट इन द मिक्सचर. ग्राम को हटा दीजिए यहां से. वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गया 0.53 ग्राम. तो वेट परसेंट कितना होगा? वेट परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर इसका वेट अपॉन मिक्सचर का टोटल वेट कितना है 2.013 × 100. यह निकल कर लगभग 25% के आसपास आएगा. एप्रोक्स लगभग 25% आएगा इसका. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं.
we shall have 1.22 gram of a mixture of sodium carbonate and potassium carbonate. Reacts completely with 20 milli equivalent of HCl. Calculate the weight of sodium carbonate in the mixture. Of sodium carbonate and potassium carbonate reacts completely with 20 milli equivalent of HCl. Calculate the weight of sodium carbonate in the mixture. हमारे पास एक sodium carbonate और potassium carbonate का mixture है. Sodium carbonate और potassium carbonate का एक mixture है. इसका weight है, mixture का weight है 1.22 gram. यह react कर रहा है completely HCl के साथ. इसका अमाउंट दिया गया है 20 मिली इक्विवेलेंट. तो यहां पर देख लीजिए जो HCl एसिड है वह इन दोनों से कंप्लीट रिएक्शन करेगा क्योंकि यह दोनों बेस है. किसी भी मेटल का कार्बोनेट बेस होता है तो सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट दोनों बेस है तो HCl जो है वह इन दोनों से कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा. तो लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ potassium carbonate is equal to gram equivalent of HCl. तो इसका gram equivalent, इसका weight of sodium carbonate upon equivalent weight of sodium carbonate plus weight of K2CO3 upon equivalent weight of K2CO3 is equal to इसका ग्राम इक्विवेलेंट. यहां पर HCl का मिली इक्विवेलेंट दिया गया है 20, तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 अपॉन 100. तो वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है निकालना है. इसको x मान लीजिए अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 106 बटे इसका फैक्टर 2, तो 53 आ जाएगा. प्लस K2CO3 का वेट कितना है, तो मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का वेट माने है x, तो पोटेशियम कार्बोनेट का वेट हो जाएगा 1.22 माइनस x हो जाएगा. मिक्सचर का वेट है 1.22 ग्राम, उसमें सोडियम कार्बोनेट का वेट है x ग्राम, तो पोटेशियम कार्बोनेट का वेट होगा 1.22 माइनस x ग्राम अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, बोले पोटेशियम का 39, इसका 78 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 से 48. एक सौ अड़तीस बटे इसका वैलेंसी 2, इसका एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 1000. तो यहां से निकाल लीजिएगा x, यहां निकल कर आएगा 0.53 ग्राम, 0.53 ग्राम आ जाएगा. तो इसका मतलब मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का वेट हो गया 0.53 ग्राम. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. तब